महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदौर सेंट्रल जेल ने एक नई पहल की है, जहां महिला कैदियों के लिए एक निजी संस्था के साथ मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 माह का सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूं तो प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद सालों से सजा काट रहे पुरुष कैदियों के लिए तमाम तरह के रोजगार के अवसर हैं, लेकिन अब तक महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी को देखते हुए महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदौर की सेंट्रल जेल में रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं। दरअसल एक निजी संस्था के साथ जेल विभाग द्वारा महिला कैदियों के लिए मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कपड़ा बनाने पर 100 रुपए दिए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाएं रोजाना 300 से 400 रोजाना कमा सकती हैं। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना कि व्रत के समय सेलम का सच्चा मोती एक मार्ग साबुदाना ही इस्तेमाल करना। जरूर माँ जी, आज एकादशी पर मैंने आपके लिए सेलम के सच्चा मोती साबुदाने की ही खिचड़ी और खीर तैयार की है, और बाबू जी के लिए मैंने अल्पाहार मोरधन का उपमा और अल्पाहार नारियल बूरा के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, दिल जीत ले तूने मेरा। माँ जी, मैंने सच्चा मोती एक मार्ग साबुदाना ही नहीं बल्कि सच्चा साबु का एक मार्ग साबुदाना भी बुलवा लिया है। दोनों ही साबुदाने एक से बढ़कर एक हैं। और यही नहीं माँ जी, मैंने साबु ट्रेड के अन्य पर्यायी उत्पाद जैसे अल्पाहार मोरधन, अल्पाहार हल्दी पाउडर, अल्पाहार नारियल बूरा और साबु पापड़ भी बुलवा लिए हैं। माँ जी, आपके बरसों का तजुर्बा ही हम सबके खान पान को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाए रखेगा, और हाँ ये बच्चों को भी बहुत भाता है। बेजोड़ प्राकृतिक स्वाद व अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन संगम, खरीदते समय साबु ट्रेड सेलम की पैकिंग व साबु का लोगो देखकर ही खरीदे। दिशा संस्था की जो अध्यक्ष हैं नैन्सी जी, वो मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझसे महिलाओं के प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा की, फिर उनके माध्यम से और मेरे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि महिला बंदी जो जेल में निरुद्ध हैं उनको वो सिलाई का प्रशिक्षण देंगी। वो सिलाई का प्रशिक्षण ऐसा होगा कि वो महिलाएं जो है नाइट सूट जो महिलाओं की रहती है वो बना के तैयार करेंगी, और उन्हें इसलिए उन्होंने 10 अम्ब्रेला मशीन उपलब्ध कराई हैं और 5 हमारे पास, इस तरह 15 मशीनों से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जो जेल में निरुद्ध महिलाएं हैं उनका सुधार करना और पुनर्वास करना है। सेंट्रल जेल में कुल 90 महिला कैदी अभी मौजूद हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्था द्वारा 10 मशीन और जेल प्रशासन द्वारा 5 मशीन, कुल 15 मशीनों पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।